बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर ओपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखे में आज हमारा जो लेसन है वो है नून गुन्ना। तो नून गुन्ना क्या है कि नून होता है लेकिन उसमें नुक्ता नहीं होता। अगर सिंगल नून बनाया जाए और एंड पे लिखा जाए, ठीक है, और उसमें नुक्ता नहीं होता तो वो नून गुन्ना की निशानी है। ठीक है, अब नून गुन्ना जो है ये आपकी नाक में से आवाज़ निकलती है, इसको प्योर जो है आपने नून की आवाज़ नहीं निकालनी। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं अलिब मद आ और यहाँ पे आप मुकम्मल नून को लिखते हैं नुक्ते के साथ लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे हम आन आन। और अगर आप यहाँ पर नुक्ते के बग़ैर नून को लिखते हैं तो ये पढ़ा जाएगा आ आ, ये है आन, ये है आ आन आ आन आ। ठीक है, अब देखें कि इसी से मिलते जुलते हम कुछ अल्फाज जो है ना वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं हाँ, ये मैंने लिखा हाँ। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, आपने साथ साथ जो इसका फ़र्क है वो भी आपने देखते रहना है। ये मैंने क्या लिखा, कान कान। और यहाँ पे मैं लिखूँगा का। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे मान माँ। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ हाँप, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हानप हानप, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाँप। अब देखें कि नून जो नून गुन्ना है जब दरमियान में जुड़ के आएगा तो उसका नुक्ता तो होगा, लेकिन यह है कि इस नुक्ते के ऊपर हमने नून गुन्ना का निशान यहाँ पे देना है। इस तरह का छोटा सा निशान होगा, ये नून गुन्ना का निशान होता है। ठीक है, यानी कि नून गुन्ना हम इस तरह बड़ा करके लिखते हैं लेकिन इसको हम छोटा सा लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे हाँप हाँप। काफ अलिफ का और यहाँ पे हम लिखेंगे कांप, इसको पढ़ेंगे कांप हाँप कांप। सांप सांप। आंख हांग। कांग। आप देखें कि शुरू में बच्चों को सिखाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे नून गुन्ने का निशान लगा सकते हैं, और जब आपकी उर्दू अच्छी हो जाती है उसके बाद अगर आप लिखते हैं, ठीक है, पेपरों के अंदर आप लिखते हैं तो यहाँ पे नून गुन्ना का निशान देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी सांप आँख हांग कांग इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप देखें कि ये जब आप नून गुन्ने का निशान लगाते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ समझी जाती है। ठीक है, शुरू में बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यह है कि आप पेपरों में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और अल्फाज की प्रैक्टिस करवाता हूँ। मांग मांग। फांक। अब मैं यहाँ पे नून गुन्ने का निशान जो है ना वो नहीं लगा रहा, लेकिन इसको आपने नून गुन्ना में ही पढ़ना है। फांक छांट कांट जांच। और अभी तक मैं जितने भी अल्फाज यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे देखिएगा कि ये अलिफ वाले हरूफ आ रहे, यानी कि फेलिफा मीम अलिफ मा काफ अलिफ का सीन अलिफ सा अलिफ मद आ। ठीक है, आ की आवाज़ आ रही है आ, उसके बाद नून गुन्ना है और एंड पे कोई भी आप हर्फ लगाएंगे।
ठीक है, अभी तक ऐसे ही अल्फाज चल रहे हैं, चाँप जे अलिफ चा नून गुन्ना और पे चाँप, सांड डांट, लौंग आंत, आंच, खांस, अब डियर स्टूडेंट्स हम अलिफ की जगह वाव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ढूंढ, ठीक है, और यहाँ पे नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये है डाल, ढूंढ इसे यहाँ पढ़ेंगे ढूंढ, इसी तरीके से सौंफ, लौंग, मौंग, चौंच, पूंछ, सूंग, सूंड, ढोंग, रोंद, इसी तरह नून गुन्ना इस्तेमाल होता है हैं के अंदर, ये मैंने लिखा हैं, हूँ, हाँ, दें, लें, मैं, नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ अल्फाज और लिखते हैं इनके अलावा, जैसे पीछे कोई भी हरफ है नून गुन्ना है उसके बाद गाफ है, संग ओ, मांग उमांग, तंग, सिंक, जंग, जंग। अब देखें इस जंग में और इस जंग में फ़र्क है, ये है जंग जिसे वॉर कहते हैं या लड़ाई, और ये जंग एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है पाकिस्तान में। उसके बाद हम लिखते हैं रंग, जिंक, लंगर, लंगर, लंगड़ा, लंगोटी, मंगनी, इसी तरीके से जंगल, संगल, उंगली। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, कोई जहन में कोई बात आती है
नून गुन्ना के मुतालिक, तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके पूछना है, तो इंशाल्लाह आपके सवाल की वजह से, आपके पूछने की वजह से बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा, उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और मेरे जहन में भी जो बात नहीं है वो इंशाल्लाह आ जाएगी, और यह है कि हम सबको सीखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।